उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता हरीश रावत आज बागपत पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में जिन्ना समर्थक उस्मानी को दिए गए टिकट को लेकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने टिकट सोच समझकर दिया है, जबकि बीजेपी बेवजह विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो विरोध कर रहा है, बीजेपी उसे देशद्रोही और पाकिस्तान समर्थक करार देने के पीछे लगी हुई है। उनको इस देश के अंदर प्रत्येक मुसलमान उनका बस चलता तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को भी जिन्ना समर्थक कह देते। आने वाले मौलाना आज़ाद पर भी उंगली उठाने में भाजपा के लोग चूकते, तो इसलिए मैं किसी व्यक्ति की मौलाना आज़ाद से तुलना नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि भाजपा के जहन में हर वो व्यक्ति जो भाजपा के खिलाफ उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, वो या जिन्ना है या पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कहीं जो स्थानीय हमारे लोग हैं उन्होंने बहुत विचार के बाद ही ये फैसला लिया होगा, और यूँ ही किसी व्यक्ति को ये कह देना कि जो लोग लोकतांत्रिक संवैधानिक लोकतंत्र की बात करते हैं, आज भाजपा उन सब लोगों को पाकिस्तान समर्थक या उनको किसी न किसी तरीके की उंगली उठा करके उन पर प्रश्न सवाल